आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद सीएम योगी का अयोध्या का यह दूसरा दौरा है। मुख्यमंत्री यहाँ 22 घंटे तक रहेंगे। वही अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने पहुंचे। फिर उन्होंने आयुक्त सभागार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेगपुरा स्थित दलित मानीराम के घर पर भोजन भी किया। आगरा के 2 दिन के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम एसएसपी को जरूरी निर्देश दिए। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने फरियादियों की समस्या का फौरन समाधान निकालने की बात कही है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। मैं कह रहा हूँ ना, सरकार के प्रति लोगों का भरोसा है। सक्षम प्राधिकारी क्या काम नहीं करता? सरकार के प्रति लोगों का भरोसा, इतनी शिकायत लेकर के आ रहे हैं। पिछली सरकारों के समय लोगों की सुनी नहीं जाती थी, सुनने के बाद उसमें कुछ किया नहीं जाता था। लेकिन हमारी सरकार में सुना भी जाता है, किया भी जाता है, न्याय दिया भी जाता है। जो अपराध करने वाले उनको दंड भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर भवन में श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बैठक करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा गरीबों को मिले। वहीं इस दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री रघुराज। आज सर यहाँ मीटिंग की गई है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की है? आज की ये बैठक हमारी बोर्ड की बैठक है और उत्तर प्रदेश भवन निर्माण की, जो हम सुविधाएं दे रहे हैं आपके मजदूरों को, बहन जी जरा एक मिनट, मजदूरों को जो सुविधाएं हम लोग जो दे रहे हैं, जैसे हित लाभ में उनको उनकी बच्चियों को साइकिल, हित लाभ में उनकी बेटियों को विवाह, जैसे 1 लाख टारगेट को हमको आगे बढ़ाना है कि अपने से ही अपना कंपटीशन है हमारा, हमारे विभाग से ही हमारे विभाग का कंपटीशन है। 1,82,000 कन्याओं का विवाह किया, तो हम चाहते हैं कम से कम इस बार इससे दुगना हो हमारा, जिससे लक्ष्य निर्धारित से भी अधिक हम लोग विवाह करेंगे और गरीब लोगों का योगदान मिलेगा। तो हमारा जितने भी श्रमिक हैं उनको एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ होगा उनका, उनको हम लोग 2.5 लाख रुपए मकान जो हमारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं, समाज कल्याण विभाग दे रहा है, डूडा दे रहा है। तो 2023 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि कोई भी बगैर छत के ना रहे, ये हमारी सोच, ये हमारी भावना है। भगवान न करे आपका भवन बनाते हो कोई श्रमिक अगर खत्म हो जाता है, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, तो 25,000 तो हम तत्काल देते हैं उसके अंत्येष्टि के लिए। 25,000 में एक अच्छा खासा परिवार उसके अंत्येष्टि कर सकता है, और 5 लाख रुपए हम तत्काल देते हैं उनको एक घर को रिलीफ मिलने की वजह से, और उसकी पत्नी को विधवा पेंशन देते हैं। पिछली आपकी सरकार ने श्रम कार्ड बनाया गया, ई श्रम कार्ड, श्रमिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहाँ पोर्टल पे उनके नाम दिए गए, फीडिंग की गई, उनको आगे कैसे काम में लिया जाएगा? देखिए, श्रमिक कार्डों की व्यवस्थाएं जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें ये चाहते हैं कि हमारा श्रमिक मुंबई में भी काम करे तो उसको ऑल इंडिया लेवल पे उसका वो मिले। जैसे वन राशन कार्ड का सिस्टम है, वो थोड़ा सा भी भारत सरकार से वार्ता करके, और वह आई कार्ड जो बन जाएगा उस आई कार्ड से वो हिंदुस्तान में कहीं भी लाभ ले सकता है, हित लाभ ले सकता है, कहीं भी वो मजदूरी कर सकता है, क्योंकि मजदूर का कोई फिक्स नहीं है कि आज यहीं मजदूरी करेगा कि कल को कहीं और मजदूरी करेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हमने जन आरोग्य योजना के तहत मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के तहत वो कार्ड बनाना तय किया है, उनको पूरा लाभ दिया जाएगा, हम लोग उनको सबको लाभ देने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे रघुराज प्रताप सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सेवाजन श्रम एवं सेवाजन विभाग के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि श्रमिकों को जो वे ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है वो बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा, साथ ही साथ उनको
हर एक बेहतर लाभ देने के काम किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सामने काफी हंगामा हुआ। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन सर्वे से पहले मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध शुरू हो गया और विशेष समुदाय के लोगों ने खूब हंगामा किया। ज्ञानवापी मस्जिद में सामान्य से ज्यादा नमाजी पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले एक साथ इतनी संख्या में पहले कभी नहीं देखे गए। इस बीच एक अजीब सा मामला भी सामने आया है। एक महिला काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने अचानक नमाज पढ़ने लगी। फिलहाल आज के दिन का सर्वे टीम ने पूरा कर लिया है और कल दोपहर फिर से सर्वे शुरू होगा। लखनऊ में एलडीए के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। बता दें कि एलडीए ने अब तक बिल्डर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की और अर्बन वुड्स नाम के 15 मंजिला इमारत बनी थी, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस भेजा गया था और 19 अप्रैल को भेजे गए नोटिस के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया है। आजम खां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि रामपुर जेल में आजम खां अभी नहीं निकल पाएंगे। जमीन पर बने स्कूल के मामले में आजम खां के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। जानकारी मिली कि एक स्कूल के कागज पर 3 स्कूल की मान्यता ली है। इसी मामले में कई धाराएं बढ़ाई गई हैं और MP MLA कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अलीगढ़ के थाना पाली मुकिमपुर के एक गांव में एक महिला का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के अनुसार महिला अपने गांव के बाहर खड़ी थी। इस दौरान बदमाश कार में सवार होकर और युवती को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर बदायूं ले गए, जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़िता का कहना है कि घटना को करीब 1 महीना हो गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आरोपियों पर कोई कार्रवाई ना होने के चलते राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को लेकर DM कार्यालय पहुंचे और DM ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। दबंग परिवार है, आज तक वो अपराधी खुले घूम रहे हैं। 1 महीना होने जा रहा है और SSP ऑफिस 2 बार बेटी कार्यालय आ चुकी है। हम तो हार करके DM साहब के पास में आए थे, DM महोदय के पास में। अगर इनको कार्रवाई आज भी अभी हम संतुष्ट नहीं हो पाते तो हम भी कल भी आकर के ही बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं, प्रशासन हमारे साथ में जैसा भी करेगा हम दंड झेलने के लिए तैयार है, लेकिन बेटी को न्याय दिलाकर के मानेंगे। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद को चाहे रोड पर उतरना पड़े, चाहे और कुछ भी करना पड़े, पर लेकिन बेटी को न्याय दिलवा कर के मानेंगे। थाना पाली मुकिमपुर की पुलिस के उसे क्षुब्ध होकर के कुछ लोग यहाँ पे आज आए थे ज्ञापन देने। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के हैं भरत तिवारी जी, इनके नेतृत्व में काफ़ी लोग यहाँ पे थे। महिला की बात सुनी गई, पुलिस से बात करी गई और उनको FIR के लिए बोला गया। यहाँ जा रहे हैं FIR दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए 5 दिन के प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का संकल्प किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ईश्वर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने पूरे जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी समय में देश के अंदर हम लोग राष्ट्रीय बजरंग दल का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वहाँ कर रहे हैं। इसमें युवाओं को वीर हिंदू विजेता हिंदू का और ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही आगामी समय में खीर भवानी की यात्रा, कश्मीर में हिंदू खुदा वापस बसे, धारा 370 हटने के बाद भी हिंदू जाने की स्थिति में नहीं है। इस दृष्टि से हम लोगों ने और खीर भवानी की बड़ी यात्रा रखी है, जिसमें लाखों की संख्या में सारे भारत से और कश्मीर की इस यात्रा में लोग जाएंगे। फिरोजाबाद के दीवानी परिसर के बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की गई। चुनाव में किसी तरह गड़बड़ी और हिंसा ना फैले, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। मौके पर SP मुकेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। मतदान की प्रक्रिया हो रही है, इस परिसर में पब्लिक गार्डन किया हुआ है, बैरिकेडिंग की हुई है, वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। संपूर्ण पुलिस व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से लगाई गई और शांतिपूर्ण सफल संपन्न कराया गया। मेरा नाम शकील अहमद एडवोकेट है, मैं बार एसोसिएशन फुरैयाबाद में हूँ और बार एसोसिएशन फुरैयाबाद का यहाँ आज इलेक्शन हो रहा है और बड़ी शांतिपूर्वक हो रहा है। हम लोगों की बस यही ख्वाहिश है, यही लोग हम सब लोग चाहते हैं कि बार का अध्यक्ष, बार का सेक्रेटरी एक अच्छी किस्म के लोग आएं, जो जरूरत पड़ने पर वकीलों की मदद करें।
बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना कुंवर गांव का औचक निरीक्षण किया। वहीं थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालगृह और बैरक का भी मुआयना किया। बैरक का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी मनोज कुमार वर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी थाना कार्यालय में मौजूद थे। गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार अपने गोरखपुर दौरे पर थे, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद समेत कई अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद जनपद गोरखपुर प्रभारी धर्मपाल सिंह ने सभी बातों को मीडिया के साथ साझा किया। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का हम लोगों ने निरीक्षण किया और इस निरीक्षण से ये पता लगा, सजगता और जागरूकता दोनों ही हैं। यहाँ सीएमओ के द्वारा हमारे एडीएम प्रशासन और जिलाधिकारी सारे सब मिलकर एक टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और इसमें कोविड का सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही इससे लड़ा जाए, इसकी लड़ाई लड़ी भी गई है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। चंदौली का मनराजपुर कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के छठे दिन राजनीतिक पार्टियों का दौरा लगातार जारी है। वहीं इस क्रम में भीम आर्मी के संस्थापक शेखर आजाद सैकड़ों समर्थकों के साथ मनराजपुर गांव पहुंचे। इस दौरान भीम आर्मी के समर्थक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पीड़ित के परिजन पुलिस की जाँच से खुश नहीं है और वो इस मामले में सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर सजा हो और मैं उस मामले में भी चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जिससे कि आरोपी खुलेआम ना घूमे। आज जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, एसएचओ जिनके पास जांच के लिए उनको फोन कर रहे हैं, एसएचओ के बहनोई को प्रभारी बना दिया जा रहा थाने का, क्या मजाक कर रहे हैं सर? सरासर कह दीजिए कि न्याय नहीं देंगे और सत्ता के और अपराधियों के आगे नतमस्तक होगी सरकार, क्यों नहीं कह देते मुख्यमंत्री? तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन। रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कार पलट कर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई चपेट में आ गए, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मेरा नाम वीरेंद्र। ये सड़क हादसा लालपुर से आगे आने के बाद में सड़क हादसा, पता नहीं पंचर मारी या डिसबैलेंस हुआ उनका, पहले पेड़ में टकराई, फिर खंभे में टकराई, फिर गाड़ी भी ख़त्म हो गई, उसमें 6 मौत मृत्यु मौके पर ही हो गई है। इसमें अभी तक जो 6 लोगों की डेथ हो चुकी है जो मोचरी में आ चुके हैं, 4 लोगों को ज़्यादा चोट लगी हुई है, 1 लोगों को कम चोट लगी है। ये सभी लोग एक ही इनोवा कार से थे और ये यहाँ पर बारात में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। तो वजह शुद्ध रूप से यही निकल गया है कि बहुत स्पीड में थी गाड़ी, डिसबैलेंस हो गई, पहले उसने ये पोल को तोड़ा, बिजली का पोल था, फिर उसके उससे भी नहीं रुकी, बगल में पेड़ था, पेड़ को भी उखाड़ दिया। लेकिन इस क्रम में गाड़ी की बहुत दुर्गति हो गई, इसमें 11 लोग बैठे थे, 6 की तो मृत्यु कन्फर्म हो गई है। हमें लग रहा है 3 व्यक्ति और हैं, इनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। 2 बच्चे हैं उसमें से, दोनों सेफ हैं, 2 तो बिल्कुल सेफ हैं, 3 के बारे। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह 1548 लोगों से साइबर ठगी कर चुका है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन और 1 गाना निवासी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी इनके साथ कुछ फरार है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि जिनका तरीका ये था कि वो फेसबुक के माध्यम से लोगों को अपना टारगेट बनाते थे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ये बोला जाता था कि आपको फ़ौरन से एक इम्पोर्टेड गिफ्ट आ रहा है, जो कि जनरली ब्रिटिश पाउंड होता था, और उसको रिलीज़ कराने के लिए कस्टम्स में आपको 7 से 8 लाख रुपये जमा करने पड़ेंगे, और इस तरीके से वो अपना फ्रॉड करते थे। एंड इसमें हमने टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफ़ी सारी इसमें सिम्स अकाउंट नंबर, ATMs काफी सारे हमने सीज करे हैं। और
मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर हर्बल पार्क का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 10 रुपए के प्रिंट हुए टिकट को 20 रुपए में बेचता हुआ दिखाया गया था। और ये मामला 5 अप्रैल को हुआ था। इस मामले में एक पत्रकार हर्बल पार्क के ठेकेदार से बातचीत करने के लिए पहुंचा, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने पत्रकार के साथ अभद्रता की और पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़ित पत्रकार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आरसेल से जानकारी देते हुए थाना मझोला में दोषियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट पर एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक से मिला और प्रार्थना पत्र के जरिए एसएसपी को विवाह समारोह में हुए विवाद की जानकारी दी। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि एक शराबी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके विरोध करने पर शराबी वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन लाइसेंस का कहना है कि कोई तहरीर शिकायती पत्र नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज न होने की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। खबर बिजनौर से है, जहां एक हिस्ट्री शीटर पुलिस कर्मियों को कमरे में बंद कर फरार हो गया। दरअसल आरोपी को बिजनौर से मुरादाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। हिस्ट्री शीटर फहीम ने पागबड़ा क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को कमरे में बंद कर दिया और फिर फरार हो गया। फरार आरोपी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके चलते एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद जनपद का एक अभियुक्त फहीम, जो प्रशासनिक आधार पर अक्टूबर 2021 में बिजनौर जनपद के जेल में स्थानांतरित हुआ था, मुरादाबाद के ही 302 आईपीसी के एक मामले में सुनवाई हेतु 2 आरक्षी दिनेश और राहुल लेकर के मुरादाबाद गए थे, जो इनके लापरवाही पूर्ण कृत्य से फहीम भागने में जनपद मुरादाबाद से सफल रहा। इनके लापरवाही पूर्ण कृत्य से दोनों सिपाहियों को निलंबित किया गया तथा पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, जो दोषपूर्ण तरीके से इन्होंने ड्यूटी लगाई थी, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।